दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ रही है बेल की तरफ से, मतलब बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। और गाइज, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये वर्क करता है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। गाइज, यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है बहुत ही लेटेस्ट है और इसका सैलरी पैकेज भी काफ़ी तगड़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है वीडियो को लाइक करके स्किप कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच जरूर मेंशन करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपकी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच से रिलेवेंट आ पाए। तो गाइज, इस वैकेंसी के लिए जो भी कैंडिडेट हमारे अप्लाई करेंगे उनके लिए नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन आप लोग का आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। और गाइस, ये एक नवरत्न कंपनी है। हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नवरत्न कंपनियों में से आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करती है। गाइस, यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले देखेंगे पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वालों के लिए जो आपका पोस्ट है 27 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है, और कैटेगरी वाइज यहाँ अलग अलग कर डिवाइड कर दी गई है। एज लिमिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 32 साल, और साथ ही गाइस एक्सपीरियंस मिनिमम आप लोग का 2 साल देखने के लिए मिलेगा। और लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन यहाँ पर मुंबई और कोलकाता की रहने वाली है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट हमारे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहूँगी। रिलैक्सेशन आप लोग गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो भी वैकेंसी निकाली जा रही है गाइस, ये आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाली है, मतलब टेम्पररी जॉब रहने वाली है। देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है ऑन टेम्पररी बेस्ड। तो आपका जो वैकेंसी है टेम्पररी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये वैकेंसी रहेगा। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये 3 साल का आप लोग का ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो टोटल ये 4 ईयर तक का आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप सच में इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि पैकेज बहुत ही अच्छा दे रही है। अगर आप 4 साल भी जॉब कर लेते हैं तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि आप सभी अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करके 4 साल जॉब करते हैं तो अदर किसी कंपनी वाले तो आपको हायर नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा अच्छा पैकेज देते हैं, क्योंकि जो आप लोगों की नवरत्न कंपनी होती है, इनसे जो भी अप्रेंटिस हो गई या फिर अदर प्रकार की आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गई, इनके बाद आप लोग जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो आपको बहुत बहुत पैकेज दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 सैलरी दी जाएगी, सेकेंड ईयर में 45,000 हो जाएगी, थर्ड ईयर में 50,000 हो जाएगी, एंड फोर्थ ईयर में 55,000 यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। 4 साल तक आप लोगों को ये इस तरीके से सैलरी पैकेज आपको इंक्रीज होकर मिलता रहेगा। बाकी और भी मैं बताती हूँ, देखिए 12,000 पर ईयर आप लोगों को यहाँ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे, स्टिचिंग चार्ज दिया जाएगा, फुटवियर अलाउंस दिए जाएंगे, ETC और भी आपके चार्ज हैं। तो आप सोचिए गाइस, आपके लिए कितनी अच्छी जॉब वैकेंसी रहने वाली है। भले ही ये परमानेंट नहीं है आई नो, बट गाइस अगर जो कुछ भी नहीं है हमारे पास, उससे तो कुछ होना ही बेटर है ना। हमारे पास कुछ है, अगर हमारे पास परमानेंट जॉब है तो हम नहीं करना चाहेंगे इसको। लेकिन अगर हम, हमारे पास 10,000 की नौकरी है और 10,000 की नौकरी से हमको 4 साल के लिए ये वाला जॉब मिलता है, तो क्यों नहीं करना चाहेंगे। प्लस आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, एंड आप लोग के पास एक्सपीरियंस के बाद जो बड़ी बड़ी जो MNC कंपनी होती हैं उनमें जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपकी जो नवरत्न कंपनी है इनका तो मतलब नाम देखते ही आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है, और आपका पैकेज भी अच्छा ऑफर किया जाता है। BE BTech कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए BE BTech में। BE किया है, BTech किया है, किस ब्रांच से, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल, ये ब्रांच अगर आपकी है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें।
अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। तो आपका एक्सपीरियंस 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, जैसे देखिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, क्योंकि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री में ही होना चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो वर्क एक्सपीरियंस है, रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई वोल्टेज, यहाँ पर ऐसी प्रकार की बहुत सारे देखिए पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनसे रिलेवेंट आपके पास कोई भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। आप लोग एक बार डिटेल में चेकआउट जरूर कर लें। मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी दिया गया है, जिसे आप लोगों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मैकेनिकल डिज़ाइन में है, ऑटो कैड में है, सॉलिड वर्क में है, सॉफ्टवेयर में है, या फिर डिजाइन एंड रिलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स में है वर्क है। आप लोगों को असेंबली वर्क आता है, तो ये इसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज है। तो गाइस आप लोग इस बार जरूर देख लीजिए यहाँ से कि आपको किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ आप लोगों का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 2 आधार पर। पहला है आप लोग का रिटन टेस्ट, जिसमें जिसके 85% मार्क्स आप लोगों के लगेंगे। दूसरा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू आप लोगों का जो आप लोगों ने जैसे कि एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड में प्राप्त किया है उस फील्ड से रिलेवेंट ही आपसे पूछा जाएगा, 15% मार्क्स उसके जुड़ेंगे। फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एक्सपीरियंस और यहाँ आप लोग का इंटरव्यू प्लस आपका रिटन टेस्ट, इसके आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर जाके क्लिक करना है। उसमें एक फॉर्म ओपन होगा, मैं भी फॉर्म को भी दिखा दूंगी आप सभी को। वो जो फॉर्म है आप लोगों को डाउनलोड करना है, और प्लस आप लोग टेलीग्राम से कर सकते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद उसमें ट्रूली जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपनी सारी एकदम अच्छे से फिल करनी है, वो भी कैसे, उसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद ट्रूली इंफॉर्मेशन करनी है, इंफॉर्मेशन सारी आप लोगों को मिल जाएंगी। ये सभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, सबमिट आप लोगों को करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद आप लोगों का ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। लास्ट डेट जो दिया गया है 7 जनवरी 2023, इससे पहले गाइस इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग सेंड करें। तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी दिखा देती हूँ। गाइज ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ आपका फोटोग्राफ्स लगाना है, बाकी ये ट्रूली अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबमिट करनी है, परमानेंट एड्रेस एंड अपना जो भी जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वो एड्रेस डालना, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड यहाँ अपना क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सैलरी वगैरह जो आपका एक्सपीरियंस है वो सभी डालने के बाद यहाँ सिग्नेचर कर देना है, और जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को फिल करके पोस्ट कर रहे हैं उस दिन का यहाँ डेट और प्लेस आप लोगों को डाल देना, किस प्लेस से है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप लोगों का लिखा गया। एप्लीकेशन फीस गाइस आप लोगों को बता देती हूँ, SBI के थ्रू यहाँ आप लोगों को सबमिट करनी होगी। और गाइस एप्लीकेशन फीस आपकी 472 रुपये यहाँ पर रखी गई है। 472 रुपये किस तरीके से रखी गई है, देखिए 400 रुपये तो आपकी फीस है, 18% इसमें GST चार्ज लगाया गया है, तो इसीलिए आप लोगों की 472 रुपये ही फीस आपकी रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे PWD कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, तो वो यहाँ पर फ्री का फॉर्म है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट हमारे एलिजिबल हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जिससे कि आप लोगों को ये फॉर्म प्रोवाइड किया जा सके।